गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज राशि एंड यहाँ हम बात करते हैं बजट फैशन, लेटेस्ट फैशन अपडेट्स और पर्सनल केयर के बारे में। सो आज की वीडियो से मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक नई सीरीज ऑल अबाउट वेडिंग गेस्ट आउटफिट, जिसमें मैं शेयर करूंगी वेडिंग गेस्ट आउटफिट्स की डिटेल्स के बारे में, लाइक लहंगा हो गया या फिर डिजाइनर साड़ीज हो गई, सूट्स हो गए और भी अदर ड्रेसेस हो गई, उनकी स्टाइलिंग के बारे में, उनका रिव्यू एंड ये सारे ही होंगे अंडर बजट, अंडर 1000 का बजट मैंने लिया है। एंड ये सीरीज स्टार्ट करने के लिए मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को सबसे ज्यादा किस टॉपिक पर वीडियोस देखनी है, तो सबसे ज्यादा जो वोट्स आए थे वो आए थे वेडिंग गेस्ट आउटफिट्स के बारे में। सो हियर वी आर, यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ वेडिंग गेस्ट आउटफिट के लिए सीरीज। एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आएगी। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में वेडिंग गेस्ट आउटफिट के नाम से या वेडिंग गेस्ट के नाम से जो भी प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली इस लेलिया कलर के लहंगे को, जैसा कि मैंने कलर का टॉप पहना हुआ है, इसी कलर के लहंगे को मैं रिव्यू करने वाली हूँ। उसको मैंने अमेजोन से लिया था, ये भी सेम अंडर बजट है। इसके मैं स्टाइलिंग के बारे में भी बात करूंगी प्लस इस लहंगे का रिव्यू भी करूंगी। सो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। लहंगा जो आया था ऐसे जिपर पाउच की पैकिंग में, तो पैकिंग मुझे काफी अच्छी लगी। एंड इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा सीक्विन का वर्क है, लाइक इसमें ना ऐसे मिरर जैसा लगता है, बट ये मिरर नहीं है क्योंकि ऑफकोर्स जो हमारा प्राइस होता है वो बहुत मैटर करता है क्वालिटी के लिए। तो ये अंडर 1000 रुपीज़ का, इसको मेरे को 999 में ये मुझे मिला था अमेजोन से, जिसकी कोई एक्स्ट्रा शिपिंग नहीं गई थी। एंड इसका जो वर्क है वो दूर से देखने पर बिल्कुल ऐसे इल्यूजन देता है कि मिरर वर्क है इस पर पूरा, लेकिन अगर उसको मैं टच करके बताऊंगी तो मिरर वर्क नहीं है। एंड ये 3 पीसेज में आया था, एक इसमें हो गया ये लहंगा जो कि स्टिच्ड है पूरा, उसमें बस कमर से फिटिंग करानी होगी आपको। एंड नेक्स्ट है ये ब्लाउज पीस, इसका ब्लाउज पीस जो इसके फ्रंट में ये वर्क है, पीछे का प्लेन है। एंड इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें लाइनिंग लगेगी, अगर आप इसको स्टिच कराएंगे तो इसका जो कपड़ा है कुछ मिक्स टेरिकॉट मिक्स काइंड ऑफ, तो उसमें ना आपको लाइनिंग जरूर लगानी पड़ेगी और वो खुद से लेनी पड़ेगी, इसके साथ कोई लाइनिंग नहीं आई है। थर्ड पीस है इसका दुपट्टा, तो दुपट्टा इसका नेट का दुपट्टा है, जिसमें ये सेम वर्क की मिरर टाइप का जो वर्क है उसकी पूरी साइड्स पे लेस लगी हुई है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सिंपल लुक देता है। एंड अगर मैं अब अपने पर्सनल रिव्यू की बात करूँ तो मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी सही लगी, लाइक एज़ पर द प्राइस। एंड जो कलर है वो तो बहुत ही प्रिटी है। एंड अब मैं यहाँ पर दिखाऊँगी आपको आगे से कि इसको पहनने के बाद ये कैसा लुक देता है। तो ये है कंप्लीट लुक, ये पहनने के बाद कैसा लगता है। मैंने इसका अभी ब्लाउज स्टिच नहीं कराया, तो मैंने इसको अपने लिलैक कलर के क्रॉप टॉप के साथ यहाँ पर पहना हुआ है। इसमें एक बात ऐड करूँगी, इसके अगर घेर के बारे में बात करें तो घेर इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, और आपको अगर घेर वाला लुक चाहिए तो आपको इसके नीचे कैनकेन वाली स्कर्ट पहननी पड़ेगी। और अगर मैं इसकी स्टाइलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे मैंने इस पर जो सिल्वर और मिरर टाइप काइंड ऑफ वर्क है ना, तो इसको सिमिलरली आप जो सिल्वर कलर के जो नेकलेस होते हैं, जैसा कि मैंने इसमें पहना हुआ है, मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको मैंने मीशो से लिया था तो उसका कोड दे दूंगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलर काइंड के जो सिल्वर वर्क में होते हैं उस तरह के नेकलेस के साथ पहने बहुत ही प्रिटी लगेगा। हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्लस अगर आपको कोई और टाइप के आउटफिट के बारे में डिटेल चाहिए, स्टाइलिंग के बारे में चाहिए, रिव्यू चाहिए, सो वो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करते हैं, मैं उसको जरूर करूंगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई और भी रिक्वायरमेंट है, कोई और भी क्वेश्चन, आप उसको भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के जरिए। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए वेडिंग गेस्ट आउटफिट के साथ। टिल देन बाय।